हेलो गाइस, स्वागत है आपका बाइक गुन के एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं हीरो एचएफ डीलक्स के सेल्फ अलॉय वेरिएंट की ईएमआई डिटेल्स के बारे में कि अगर आप लेते हो इस बाइक को ईएमआई पे तो आपको पर मंथ जो है कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ऑन रोड प्राइस कितनी आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना लगेगा, इसके अलावा कितनी जो आपकी डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, फटाफट से बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस आ रही है वो आ रही 57,478 रुपये, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सब जगह जो अपने टैक्सेस वगैरह, इंश्योरेंस, आरटीओ चार्जेस जो अलग अलग हैं, इस वजह से अलग अलग ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अब मैं 12.5% मान के चल रहा हूँ, जो कि यार क्योंकि सभी जो है बैंक्स वगैरह हो गए या फिर जो भी फाइनेंस कंपनी है, सब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन हम जो एक अंदाज़ा लगाने के लिए 12.5% मान के चलते हैं। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की, तो जो आप जो है एक चीज़ तो अपने मन में बैठा लो कि यार जब भी आप बाइक लेने जाओगे तो जो भी उसकी प्राइस आ रही है उसका लगभग 20-25% जो है कंपनी डाउन पेमेंट तो करवा ही लेगी। अब मान लिया इसमें कि मैंने 10,000 जो हमने कर दी डाउन पेमेंट, अब बच गया अपने पास लोन अमाउंट, वो है 47,478 रुपये का, यानी कि 57,478 की बाइक थी, 10,000 मैंने डाउन पेमेंट दे दी, अब बच गया हमारे पास 47,478 रुपये। तो अब बात करते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट की, तो आप जो अगर आप लेते हो एक साल के लिए ईएमआई पे तो आपको हर महीने जो है 4,229 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे वो करोगे 3,270 रुपये। हालांकि ये जो अलग से नहीं करोगे ये इसके अंदर जो है इंक्लूड होगा, लेकिन फिर भी हमको जो है पता होना चाहिए कि हाँ यार कितना जो अलग से एक्सपेंस आ रहा है, कितना जो है खर्चा आ रहा है, क्योंकि अगर आप लेते हो दो साल के लिए तो आपको हर महीने जो है 2,246 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर आप टोटल इंटरेस्ट पे करोगे 6,426 रुपये। और अगर आप लेते हो तीन साल के लिए तो आपको हर महीने जो है 1,588 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट आएगा 9,690 रुपये का। और अगर आप लेते हो चार साल के लिए ईएमआई पे तो आपको हर महीने जो है 1,262 रुपये की ईएमआई जो है वो देनी पड़ेगी, जबकि जो टोटल इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 13,098 रुपये का। और अगर आप जो है इसको और बढ़ा के ले जाते हो पाँच साल पे तो आपको जो है हर महीने 1,068 रुपये की ईएमआई देनी पड़ेगी, और जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 16,602 रुपये का। तो अब आप यहाँ जो है आराम से देख सकते हो कि जब आप एक साल के लिए ले रहे थे और जब आप पाँच साल के लिए ले रहे हो तो कितना जो इसमें फ़र्क पड़ रहा है। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, लेकिन जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका जो ये इंटरेस्ट आ रहा है एक साल के लिए और जो पाँच साल के लिए आ रहा है, इसमें जो है कितना फ़र्क पड़ गया। तो जैसे जैसे आप पीरियड को जो है बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो ईएमआई है मंथली वो तो कम होती जाएगी, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका जो है धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो यही इसके जो है फ़ायदे हैं, यही इसका जो आपको मतलब नुकसान तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इससे आप जो एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ पर मंथ जो है कितना मेरा खर्चा आएगा, कैसे कि आप जो अपना एक बजट बना सकते हो एक बाइक लेने से पहले। आई होप कि आपको वीडियो आई होगी पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो भैया कर देना वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और यार आसपास की जो भी नॉइज़ है ना इसको थोड़ा इग्नोर करना। गुड बाय।